अभी हम लोग साइकोटिक की बात करते हैं। साइकोटिक मतलब अभी हमने जो साइकोसिस देखा ना उसकी बात करेंगे, उसमें प्रॉपर हम सिजोफ्रेनिया की बात करेंगे, ठीक है, अभी लेक्चर में। चलो इंट्रोडक्शन देखो। अब सिजोफ्रेनिया जो है इज अ सीवियर साइकेट्रिक इलनेस एंड इज थॉट टू बी ड्यू टू डोपामिनर्जिक ओवर एक्टिविटी और अंडर एक्टिविटी। डोपामिनर्जिक के अल्टर लेवल से होता है, मैं अभी समझाता हूँ, 2 मिनट में सब क्लियर कर दूंगा, ठीक है। थोड़ा थियरी पहले देख लेते हैं। लिम्बिक सिस्टम में ऑफ ब्रेन अदर न्यूरो ट्रांसमीटर मे इन्वॉल्व, दैट इज योर 5-HT सीरोटोनिन। कौन सा एमिनो एसिड सीरोटोनिन डिराइव करता है जल्दी बताओ? टायरोसिन ट्रिप्टोफेन, कौन सा करता है? ट्रिप्टोफेन। ट्रिप्टोफेन करेक्ट, ट्रिप्टोफेन एरोमेटिक है, ठीक है। ट्रिप्टोफेन में कौन सी रिंग होती है? एंडोल। करेक्ट, ठीक है, चलो चलो। और नॉर एड्रिनालिन ऑल्सो प्ले अ रोल, ठीक है, ये सब बातें हो गई। ऑल ड्रग्स ऑफ सिजोफ्रेनिया हैव इक्वल एफिकेसी, तो सर क्या करें, छोड़ दे बाकी की ड्रग, एक ही ड्रग पड़े? नहीं, डिफर करती है पोटेंसी में। एफिकेसी सबकी सेम है, पोटेंसी में डिफर करती है, ठीक है। एफिकेसी और पोटेंसी का मतलब आई होप अभी पता होगा, ठीक है, बताने की नीड नहीं पड़ेगी, नहीं पता हो तो पूछना। कैन बी क्लासिफाइड एज टिपिकल एंड ए टिपिकल ड्रग्स, दो तरह से हम लोग क्लासिफाई करेंगे, एटिपिकल और अटिपिकल। अब आ जाओ अपने ब्लैंक स्लाइड पे, थोड़ी ड्राइंग करते हैं, ये सब छोड़ो अभी। चलो अब देखो सिजोफ्रेनिया में CSCH शॉर्ट में लिखता हूँ, सक्सिनाइलकोलिन नहीं है, सिजोफ्रेनिया की बात हो रही है, ध्यान से सुनना। मैं क्या बताऊंगा, पैथो बताऊंगा कैसे होता है और कोलॉजी बताऊंगा क्या होता है, ठीक है। चलो सिजोफ्रेनिया में हमारे डोपामिनर, एक बात लिखो अभी यहाँ से, सबका अटेंशन बिल्कुल क्लियर चाहिए, ये मेन कॉन्सेप्ट है, इसके बाद सिर्फ रट्टा ही मारना है और कुछ नहीं है ज़्यादा। मेन हमारा रीज़न क्या होता है? अल्टर्ड लेवल ऑफ डोपामिन। अब देखो डोपामिन कहाँ पे अल्टर होगा, कम ज़्यादा कहाँ पे होगा? डोपामिन के पाथवे पे होगा। डोपामिन 5-6 पाथवे होते हैं ब्रेन में, एक पाथवे आप लोग पढ़ चुके हो, मेरे को बताओ जहाँ पे डोपामिन वर्क करता है, एक पाथवे है ब्रेन में, निग्रो। करेक्ट प्रत्युषा, बाकी लोग कहाँ हो? अरे पार्किंसन में देखा नहीं था यार निग्रो एस्टेडियल पाथवे? हाँ, तो निग्रो वाले पाथवे में डोपामिन था। ऐसे टोटल 6 पाथवे हैं डोपामिन के। हम लोग आज अपने 2 पाथवे देखेंगे जहां पे हमारा सिजोफ्रेनिया का इफेक्ट होता है। तो 2 पाथवे हैं हमारे पास, बिल्कुल ध्यान से समझना। एक पाथवे आपका कौन सा रहेगा? मेसोलिम्बिक पाथवे रहेगा। पाथवे मतलब देखो, पाथवे मतलब मैं आपको, ये आपका ब्रेन है, ठीक है। ब्रेन में एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए न्यूरॉन्स का ट्रांसमिशन होता है। तो अगर इस रास्ते पे डोपामिन एक्टिविटी हो रही है मैसेज ट्रांसफर करने के लिए, तो इसको पाथवे बोलते हैं। तो ऐसे हमारे पास 6 पाथवे हैं डोपामिन के, वो सब नहीं देखेंगे, जो हमारे मेन है वो देखेंगे, मेसोलिम्बिक। मेसोलिम्बिक में क्या होता है, जब डोपामिन बढ़ जाता है तो वो कॉज करता है सिजोफ्रेनिया, ठीक है। डोपामिन जब बढ़ जाता है तो वो क्या कॉज करेगा? सिजोफ्रेनिया कॉज करेगा। इसके सिम्टम्स को क्या बोलते हैं? पॉजिटिव सिम्टम्स। सिम्टम्स आप लोग लिख लो, पॉजिटिव सिम्टम्स कौन से हैं और नेगेटिव कौन से हैं, मैं आपको बोलता हूँ, आप लोग लिख लो। देखो डेल्यूशंस, चलो मैं ही लिख देता हूँ, डेल्यूशंस, हेलुसिनेशंस, ओके हेलुसिनेशंस, और आपका रहेगा डिसऑर्गेनाइज्ड थॉट्स। ये आपका क्या रहेगा? मेसोलिम्बिक पाथवे में जब आपका डोपामिन बढ़ जाएगा तो आपको सिजोफ्रेनिया होगा, और उसके पॉजिटिव उसके सिम्टम आएंगे, उसको बोलते हैं पॉजिटिव सिम्टम्स। 2 टाइप के सिम्टम्स आते हैं सिजोफ्रेनिया में, उसको बोलते हैं डेल्यूजन, मतलब कौन से आएंगे? डेल्यूजन, हेलुसिनेशन और डिसऑर्गेनाइज थॉट। ये आपका रहा मेसोलिम्बिक पाथवे का, ओके। चलो आओ दूसरा आपका पाथवे कौन सा है? मेसोकॉर्टिकल पाथवे है आपका, मेसोकॉर्टिकल पाथवे। अब यहाँ पे क्या होता है, डोपामिन का लेवल डिक्रीज हो जाता है, इसलिए डोपामिन का लेवल डिक्रीज हो जाता है
इसलिए सिजोफ्रेनिया कॉज होता है। ओके, अब सिजोफ्रेनिया कॉज हुआ, डिक्रीज हुआ डोपामिन का लेवल यहाँ पे, तो अब इसके साइन जो सिम्टम्स आते हैं ना उसको बोलते हैं नेगेटिव सिम्टम्स। और वो कौन से सिम्टम्स हैं, जैसे कि मोटिवेशन, डिक्रीज मोटिवेशन, ठीक है, डिक्रीज मोटिवेशन, फ्लैट इफेक्ट, और आपका है सोशल विड्रॉल, सोशल विड्रॉल, ठीक है। सोशल विड्रॉल आप लोगों में से शायद अभी कुछ लोग फेस कर रहे होंगे, जो कि अच्छी बात है, मतलब आपका ध्यान जीपैट में है, ठीक है। इतना क्लियर है तो मैं आगे बढ़ूँ, ये आपका बेसिक कैसे सिजोफ्रेनिया होता है वो है, क्लियर है, मेरे को बताओ। हाँ, इंट्रोवर्ट बोल सकते हैं। चलो अब एक और बात, सिजोफ्रेनिया का जो है ना, जो मेन कॉज है कि क्यों होता है वो अभी तक डिसाइड मतलब फाइंड नहीं हुआ है, ये सिर्फ खाली हाइपोथेसिस है कि ऐसा हो रहा है इसलिए सिजोफ्रेनिया होता होगा, ठीक है, ये मेन है, ठीक है। इसलिए आप लोग ऐसा मत समझना कि ये चीज़ हुई इसलिए ही सिजोफ्रेनिया हुआ, दैट इज़ नॉट कन्फर्म, ये सिर्फ हम एक बात कर रहे हैं जितना अभी तक हमको नॉलेज है, ठीक है। चलो ये इतना हुआ, अब आ जाओ ड्रग्स पे। पहले मैं बात करता हूँ टिपिकल ड्रग्स की। टिपिकल ड्रग्स क्या करती है, D2 को ब्लॉक करती है, D2 को ब्लॉक करेगी। अच्छा देखो, अब आप लोग मेरे को बताना, मेसोलिम्बिक पाथवे में इनिबिशन ऑफ D2 तो फायदा होगा कि नहीं होगा पेशेंट को, होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, होगा 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 होगा, सही है। डोपामिन बढ़ गया, आपने रिसेप्टर को ब्लॉक कर दिया D2 के, तो सिंपल सी बात है डोपामिन वर्क नहीं करेगा, तो यहाँ पे तो फायदा होगा। पर अब एक इसमें ट्विस्ट है, यहाँ पे ट्विस्ट है, टिपिकल जो ड्रग है वो D2 को ब्लॉक करेगी, तो मेसोलिम्बिक पाथवे में तो करेगी पर मेसोकॉर्टिकल पाथवे में भी तो करेगी। अब यहां पे फायदा होगा कि नुकसान होगा, नुकसान होगा कि फायदा होगा, नुक वा नुक नुकसान, ठीक है ठीक है ठीक है, चलो फायदा होगा कि नुकसान होगा, नुकसान होगा क्योंकि यहाँ पे तो डोपामिन पहले से ही कम है, तो रिसेप्टर को ब्लॉक कर दिया तो और प्रॉब्लम, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ प्रॉब्लम, ठीक है। तो मेनली जब अगर हमारा पॉजिटिव सिम्टम्स वाला सिजोफ्रेनिया है तब आप लोग प्रिफर करोगे टिपिकल ड्रग्स, खाली ऐसे ऊपर ऊपर से मैं आपको समझा रहा हूँ। अब आ जाओ एटिपिकल पे। एटिपिकल ड्रग्स क्या करती है, थोड़े अमाउंट में D2 को ब्लॉक करती है और 5-HT2A को ब्लॉक करती है, D2 को ब्लॉक करेगी, 5-HT2A को ब्लॉक करेगी। अब देखो एटिपिकल अगर इधर D2 को ब्लॉक करती है मेसोलिम्बिक में, एटिपिकल वाली ड्रग D2 ब्लॉक, तो फायदा होगा कि नुकसान होगा मेसोलिम्बिक में, ए टिपिकल भी D2 को ब्लॉक कर रही है तो फायदा कि नुकसान मेसोलिम्बिक में, फायदा, ठीक है चलो। अब देखो ये जो ए टिपिकल ड्रग है ना, ये D2 पे, मैंने पहले ही बोला कि इसका D2 पे जो ब्लॉकिंग का असर है ना वो बहुत कम है, इसका मेन मैकेनिज्म कुछ अलग ही है, 5-HT2 को ब्लॉक करना। अब आ जाओ मैं आपको समझाता हूँ 5-HT2 से मेसोकॉर्टिकल पाथवे में कैसे इफेक्ट मिलता है, इतना ध्यान में रखना, मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। मेसोकॉर्टिकल पाथवे की बात थी, यहां पे क्या हुआ है, सिजोफ्रेनिया हुआ है ड्यू टू डिक्रीज डोपामिन। ओके, अब यहां पे क्या होता है, मेसोकॉर्टिकल पाथवे में क्या होता है, आपका 5-HT2A, ध्यान से सुनना, 5-HT2A ब्लॉक करता है डोपामिन को, और ये प्रोसेस कैसी है, नेचुरल है, नेचुरल मतलब
नॉर्मल प्रोसेस ये ऐसी है, फिजियोलॉजिकल प्रोसेस ही ऐसी है, अभी कोई ड्रग नहीं दी है। तो यहाँ पे मेसोकॉर्टिकल पाथवे में तो मेरे को डोपामिन ज़्यादा चाहिए, और मेरा 5-HT2 है वो डोपामिन को ब्लॉक कर रहा है, तो मैं 5-HT2A को ही अगर ब्लॉक कर दूँ, ठीक है, तो मेरा डोपामिन ब्लॉक होना बंद हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? मेरा डोपामिन ब्लॉक होना बंद हो जाएगा, तो यहाँ मतलब ये जो इसको ब्लॉक कर रहा था ना, ये बंद हो जाएगा, तो डोपामिन का लेवल क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? समझ गए कि नहीं समझ गए? 5-HT2 का कैसे रोल है यहाँ पे, समझे? मेरे को सबका यस चाहिए, जिस नहीं समझ आया तो बताओ। 5-HT2 नॉर्मली डोपामिन को मेसोकॉर्टिकल पाथवे में ब्लॉक कर रहा था, मेरे को डोपामिन ज़्यादा चाहिए, मैंने 5-HT2A को ही ब्लॉक कर दिया, डोपामिन बढ़ गया। तो अब बताओ, जब अगर मेरा नेगेटिव सिम्टम्स आ रहे होंगे सिज़ोफ्रेनिया के, तो आप एटिपिकल देना पसंद करोगे, ठीक है, और जब पॉजिटिव सिम्टम्स आएंगे तो आप क्या दोगे? टिपिकल एंटीसाइकोटिक दोगे। तो ये था आपका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन।